Hello guys, welcome back to my channel. So today I am going to discuss another subject, that is data interpretation. Okay, so here in this video I will be discussing four very important formulas of data interpretation which will ensure a concept clarity in your mind. और ये चारों फार्मूले जो होते हैं ये बिल्कुल बेस होते हैं इस सब्जेक्ट का. सो इफ़ यू नो दिस फोर फार्मूलाज और दिस कंसेप्ट सो यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ डीआई इजीली. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द फार्मूला आई जस्ट वांट टू गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट दैट दिस इज अ सब्जेक्ट वेर इन वी स्टडी ग्राफ्स, वी स्टडी पाई चार्ट, वी स्टडी लाइन ग्राफ्स एंड बार ग्राफ्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. So this is a practical kind of subject wherein you must have studied like in your previous classes. There is always the last chapter in mathematics called mensuration wherein you study all such graphs and rest of the things. If you have studied economics, so you must be knowing this graph statistics mein agar aapne padha ho to graph pie charts are the part of it. तो इसमें हमको बेसिकली जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उससे ही फॉर्मुलेट करके और फॉर्मूलाज को यूज़ करके आंसर्स देने होते हैं. सो देर आर फोर फार्मूलाज टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू. द फर्स्ट वन इज एवरेज, सेकेंड इज परसेंटेज चेंजेस, थर्ड इज परसेंटेज ऑफ एंड द फोर्थ इज रेशियो. सो आई कॉल इट द फोर मैजिकल फार्मूलाज बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू दिस इज द बेस ऑफ डीआई. ओके, सो डी आई इज़ द शॉर्ट वर्जन ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन. एवरेज में जो हमने शुरू से बचपन से पढ़ा है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो इफ दे आर आस्किंग यू इन द क्वेश्चन कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसका एवरेज निकालो, तो ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है हर एक का जो डाटा है हम उसको कैलकुलेट करके प्लस करेंगे जो कि हम न्यूमरेटर में लिखेंगे एंड जितने ऑब्जर्वेशन है से 1, 2, 3, 4 तो उसको हम टोटल नंबर में लिखेंगे. क्लियर? सेकेंड फार्मूला विच आई एम गोइंग टू टॉक इज परसेंटेज चेंजेस. सो इन मैनी ऑफ द क्वेश्चन दे आस्क कि वॉट इज़ द चेंज इन द परसेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर और मे बी 2 years अगो, तो मोर है या लेस है, मतलब कि परसेंटेज बढ़ गया है या कम हो गया है. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वेर इन वी यूज न्यू फिगर माइनस ओल्ड फिगर अपॉन ओल्ड फिगर इंटू 100. ठीक है, तो क्योंकि हमने परसेंटेज की बात करी है तो 100 लगाना इस कंपल्शन. ठीक है, न्यू फिगर इज़ द फिगर विच इज़ द लेटेस्ट वन एंड द ओल्ड विच इज़ बीन गिवन फॉर द कंपैरिजन लास्टली. तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे और उससे जो आंसर आएगा और अपॉन में ओल्ड फिगर को लेके इनटू 100 कर देंगे. सो विल गेट द परसेंटेज चेंजेस. द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इज परसेंटेज ऑफ. सो चिल्ड्रन गेट कन्फ्यूज इन द सेकेंड एंड द थर्ड फार्मूला. सो इफ देर इज़ अ परसेंटेज ऑफ वाला क्वेश्चन, सो इन द क्वेश्चन यू विल क्लियरली गेट दिस पर्टिकुलर टर्म दैट इज परसेंटेज ऑफ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऐसा करके टर्म आएगा. तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जो भी दो कंपेरेटिव वैल्यूज़ हमें दी हुई रहती है, वैल्यू 1 वैल्यू 2, उन दोनों को हमने रेशियो बना के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमको उसका परसेंटेज मिल जाएगा. इजंट इट द फोर्थ एंड द वेरी इजी फार्मूला दैट इज़ रेशियो. वेन एवर यू बिन आस्क्ड दैट वॉट इज़ द रेशियो बिटवीन टू थिंग्स और मोर देन टू थिंग्स, वॉट डू यू डू, यू जस्ट टेक द वैल्यूज एंड यू जस्ट सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर कि भाई ये 2:3 है या 5:4 है. ठीक है, तो वही चीज़ रेशियो है जहाँ पर आपको वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को अपॉन में लिखना है, यानी फ्रैक्शन में लिखना है, उसको सिंप्लीफाई करना है एंड देन यू विल गेट द आंसर. सो दैट वॉज इट अबाउट द फार्मूला. नाउ लेट अस सी दैट हाउ मच यू हैव गॉट इट. सो आई हैव अ केस अटैच्ड इन दिस वीडियो. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल हु एवर इज़ वॉचिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन ट्राई इट बाई योर सेल्फ एंड इफ यू डोंट गेट इट देन लुक एट द सोल्यूशन. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आई एम स्टार्टिंग विद द केस. सो हियर दिस इज अ टेबल वेर इन द टॉयज प्रोडक्शन इज गिवन इन द स्पैम ऑफ 5 years. तो फॉर 1994 से लेकर 1998 तक का टाइमिंग दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर टॉय की प्रोडक्शन दी हुई है. यहाँ 200 यूनिट हुई, यहाँ 150 यूनिट हुई. मे बी डेटा बिलियन मिलियन में होगा तो वो जो भी होगा यहाँ पर अलग से वो मेंशन कर देंगे कि द डेटा इज़ गिवन इन मिलियन बिलियन लाख करोड़ वट एवर. तो आपको जो आंसर आएगा आपका फाइनली, आपको उसमें हमेशा जो भी आप आंसर दोगे उसके साथ आपको उसकी यूनिट मेंशन करनी है. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द गिवन केस इज़
द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द 5 ईयर इज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टॉय. सो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 5 साल में कौन से टॉय का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा रहा है. सो अब अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दे रहे हैं, वेर यू गेट अ लिमिटेड टाइम, सो यू कैन नॉट गो फॉर कैलकुलेटिंग ऑल ऑफ देम. ठीक है, आप हर एक को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. रैदर यू हैव टू लर्न द कंपैरेटिव मेथड वेर इन जो है आपको पांचों को चेक करना है, इजंट इट. तो हमें क्या करना है, लूडो और स्क्रैम्बल को ऑब्जर्व करना है कि इनमें से किसके फिगर्स ज़्यादा हैं. से यहाँ पर 200 ज़्यादा है, यहाँ 150, मतलब 180 से कम है, बट यहाँ पर 180 ज़्यादा है या 195 ज़्यादा है या 200 ज़्यादा है. तो अगर हम एग्रीगेट लेवल पे देखें तो लूडो जो है उसका टोटल वैल्यू डेफिनेटली स्क्रैम्बल से ज़्यादा आएगा. तो हम मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लूडो अभी जीत रहा है. फिर चेस से कंपेयर करेंगे इन दोनों डेटास को, तो विल गेट कि अगेन लूडो जो है उसके डेटा ज़्यादा हाई है. तो ये चेस भी कैंसिल हो गया. वैसे ही जब हम मोनोपॉलिसी कंपेयर करेंगे तो हम यही देखेंगे कि जो लूडो है अगेन उसका डाटा जो है वो ज़्यादा बड़ा है. उसके बाद आता है कैरम. सो डेफिनेटली कैरम में तो बहुत ही छोटा डेटा दिया हुआ है, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर इट एज ऑन. और हमें पता चल जाएगा कि लूडो का डेटा जो है वो सबसे ज़्यादा है, विच मीन्स दैट इन द गिवन 5 ईयर्स दिस इज़ अ टॉय विच हैज़ गॉट द मैक्सिमम प्रोडक्शन. तो यहाँ पर मैंने 945 उसका टोटल आ रहा था, तो वो मैंने निकाल दिया था. सो यू कैन ऑल्सो रेक्टिफाई इट. द सेकेंड क्वेश्चन इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मोनोपोली फ्रॉम 1995 टू 1997 वॉज अप्रॉक्सीमेटली. सो हियर वॉट आर दे आस्किंग, देर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स विच यू हैव टू ऑब्जर्व. फर्स्ट थिंग इज परसेंटेज इंक्रीज. तो यहाँ पर परसेंटेज मोर या लेस जैसी बात हो रही है, सो डेफिनेटली हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V1/V2 × 100 वाला. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि हम ये थोड़ा सा अपने माइंड में ये पॉइंट रख सकते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ एब्सोल्यूट डाटा, मतलब हमको एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलने वाली है, तो हमको उसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेट लेना पड़ेगा. ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चन अगेन. तो क्वेश्चन में पूछा था कि 1995 और 1997 में जो मोनोपोली है, यानी कि ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, इसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज आया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोटिस अनदर थिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, दैट इज़ कि उन्होंने परसेंटेज इंक्रीज 1995 टू 1997 बोला है. ठीक है, तो इसमें न्यू फिगर कौन सा होने वाला है, डेफिनेटली लेटेस्ट वाला जो कि 1997 का है, तो उसको मैं 125 लूँगी, और जो पुराना फिगर है वो 105 है. सो दिस इज़ समथिंग यू टू ऑब्जर्व. यहाँ पे उल्टा दिया है 1995 1997, सो यू डोंट हैव टू कंसिडर 1995 एज द न्यू वैल्यू एंड 97 एज द ओल्ड वैल्यू. ओके, माइंड इट. उसके बाद आएगा हमारा ओल्ड वैल्यू, सो विल पुट दैट ऑल दिस थिंग्स इन द फॉर्मूला and we'll get the answer, that is 19.04. so you can see this is an approximate answer. so if the MCQ pattern is given, so you can write it as 19 wherever the option is given, or if it is like if you have to just solve it practically, so you can write 19 approximately. okay, moving forward to the next set of the questions. the third question is what is the average production of chess in the given 5 years. so yahan par humne average ki baat kari hai. So I personally feel that in DI we get very easy question, like the language is very easy. It's just you have to understand the question and you have to do the solution, और वो भी तब जब आपको formula याद होगा. So make sure you learn the formula nicely. तो यहाँ पर आपको chess का 5 year का average पूछा है. So nothing we have to do, you just have to take the sum of all these 5 observation, and in the denominator we'll be taking 5, and then we'll get the answer. So the total was 520, and in denominator I have taken 5, so we have got the answer, that is 104. So this is the average value. The next question is calculate the percentage of production of Ludo in the year 1994 to the production of chess in 1995. मतलब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ. तो एज आई हैव टोल्ड यू विल गेट द डायरेक्ट क्वेश्चन कि परसेंटेज ऑफ निकालना है या फिर परसेंटेज चेंज निकालना है. परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ निकालना है. सो वी नो द फॉर्मूला, दैट इज़ V1/V2
इंटू 100 विल गिव अस द आंसर। तो यहाँ पर हम टेबल को वापस से देखने चलते हैं। हमको लूडो का 1994 वाला डेटा और चेस का 1995 वाला डेटा, यानी ये इसको लेना है। सो दिस विल बी अवर वैल्यू 1, दिस विल बी वैल्यू 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 200 अपॉन 100 इंटू 100। सो विल गेट द आंसर 200%। ठीक है, सो दिस इज़ आवर परसेंटेज ऑफ फॉर द गिवन कंडीशन। Now let us move to the next question, question number 25. Which of the following toy had a continuous increment in production? So here again you have to observe ki in 5 saal mein kaun sa aisa toy hai jahan par production hamesha continuously increase hota raha. So basically DI is always evolve around the four formulas I have taught you. लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसको ऑब्जर्व करना होता है, वेर इन उसके कोई फॉर्मूला नहीं होते हैं। तो कुछ चीज़ों में आपको ऑब्जर्वेशन लगता है और कुछ में फॉर्मूला। तो ऑब्जर्विंग दीज डेटा, देखो यहाँ 200 था, यहाँ 150 हो गया, मतलब सेकेंड ईयर में ही डिक्रीमेंट हो गया। यहाँ देखेंगे तो यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है बट यहाँ आकर डिक्रीमेंट हो गया। चेस में 78, फिर 100, फिर 92, यहाँ पर डिक्रीमेंट हो गया। मोनोपोली में 90, 105, 110, 125, 135। सो दिस इज़ अ डेटा जहाँ पर हमको हर वैल्यू जो है इंक्रीज्ड मिल रही है। कैरम में देखेंगे तो 65, 70, 85, बट यहाँ पर डिक्रीमेंट हो गया। सो आवर आंसर विल बी मोनोपोली। सो हियर इट इज, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, what is the ratio of ludo and scramble production in the year 1995? the question is asking ki humko ek simple sa ratio nikalna hai ludo ke production ka aur scramble ke production ka in 1995. to 1995 mein ludo ka production hua 150, scramble ka hua 180. we know ratio ka formula hota hai v1 upon v2। to hum directly yahan par पुट कर सकते हैं वैल्यू v1। यहाँ पर हमने जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो वहाँ पर पहले लूडो की बात की गई थी, इसीलिए जो पहले बात की गई है उसी को हम वैल्यू 1 कंसिडर करेंगे रेशियो के केस में। बट जब हम लोग परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की बात कर रहे होते हैं तो हमको लेटेस्ट डाटा न्यू कंसिडर करना होता है और ओल्ड डाटा ओल्ड कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर v1 हमारा 150 है, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द हायर वैल्यू एंड द लोअर वैल्यू, इट इज़ अपॉन द सीरीज और द सीक्वेंस फॉलोड इन द क्वेश्चन। ठीक है, अपॉन 180। सो आफ्टर सॉल्विंग इट फोर विल गेट 5/6 एज आर रेशियो, दैट इज 5:6। ठीक है, तो हियर यू कैन सी यहाँ पर भी इनका आंसर 5:6 ही आ रहा है। सो हमेशा हम वैल्यू 1 किसको कंसिडर करेंगे, जहाँ पर क्वेश्चन में जो सीक्वेंस में पहले आएगा वो वैल्यू 1 और जो बाद में आएगा वो वैल्यू 2। अगर स्क्रैम्बल पहले दिया होता तो मेरे को स्क्रैम्बल को फर्स्ट वैल्यू कंसिडर करना होता। ओके, सो देयर द केस एंड्स। आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो विथ सेइंग दैट DI और डेटा इंटरप्रिटेशन इज़ अ सब्जेक्ट वे यू नीड टू हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड देन ऑल्सो यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज ऑल दीज फोर फॉर्मूला विच आई हैव टॉक्ड अबाउट, सो द होल सब्जेक्ट इवॉल्व दिस। सो यू मेक श्योर दैट यू लर्न ऑल ऑफ दैम एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट थ्रू आउट द वीडियो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई हैव पोस्टेड द राइटिंग स्किल्स ऑफ क्लास 12th in my like on the playlist you will find in the channel, so you can go and watch that. So thank you, make sure you like, share, subscribe to my channel.